हाँ बेटा देखो, आज फिर हमने टेस्ट दिया बच्चों का। उन्होंने लिखा है, हम ये बार बार आपको कॉपी इसलिए दिखा रहे हैं कि आप भी प्रेरित हों, इसी प्रकार से बोर्ड की कॉपी पर लिखें, अभ्यास करें। और हमारे पास अगर आप अपनी कॉपी भेजोगे तो हम उसको चेक करके आपको बताएंगे, ठीक है, कि आप में क्या कमी है, क्या गड़बड़ी है, कैसे उसको दूर करोगे, ठीक है। तो देखो, जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं बेटा कि आप बोर्ड की कॉपी पे, अच्छा कुछ लड़के ये कर रहे हैं कि पूरी कॉपी हल करके दिखाइए, ठीक है, ये भी करेंगे बेटा हम, लेकिन अब धीरे धीरे, अब एकाएक थोप देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एकाएक टेस्ट लेंगे तो पूरा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास कराएंगे और उसके बाद फिर हम आपको पूरी कॉपी भी हल करके दिखवाएंगे। हम थोड़े हल करेंगे, अरे यार आप पे लोग विद्यार्थी हो, आप पे लोग लिख के दिखाओगे, ठीक है। ये है कि हम गाइडेंस करेंगे कि इसे इसे आपको लिखना है, ठीक है, पूरी कॉपी लिखवाएंगे बच्चों से। तो अभी जो है, जो हम स्टार्ट कर देंगे, एक फार्मूला है कि दोष रहित, दोष रहित छोटे छोटे कार्यों की पूर्णता, यानी कोई छोटा छोटा कार्य है उसको दोष रहित बिल्कुल करो। दोष रहित छोटे छोटे कार्यों की पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है, ठीक है। तो बड़ा तो पूरा पेपर हो जाएगा, इसके भी छोटे छोटे से तैयारी शुरू करते हैं। आप लोग भी इसको लिखें, देखिए बेटा टेस्ट हमने लिया है, आपके सामने है, आपके सामने कॉपी खोलने जा रहे हैं, देखिए लड़के भी लिख रहे हैं बोर्ड की कॉपी पे लिखा है, यही पाठक स्टाइल है बेटा। फ्लेमिंगो का क्वेश्चन है, आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, क्वेश्चन कौन सा लिखने जा रहे हो इसको उसने लिखा बेटा, देख रहे हो ना, क्वेश्चन उतारा बेटा, फिर उसके बाद आंसर, ठीक है। आंसर में उसने बिल्कुल सही लिखा बेटा, सही है, इनको इसमें दो में दो नंबर मिलेगा बेटा, दो नंबर। इसी प्रकार से देखो, इतनी जगह छोड़ दिया इसने जिससे कि वो कहीं कॉपी जांचने में गच्चा ना हो। आंसर नंबर फिर वही दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, फ्लेमिंगो, ये क्वेश्चन था रहा। क्वेश्चन देखो कैसे लिखा गया, देखो ये हेडिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल सही बेटा, दो में दो। अब इधर देखो, लास्ट स्प्रिंग का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, शार्ट क्वेश्चन लिखने की पैटर्न सुना गया ना, क्वेश्चन नंबर डालना, शार्ट आंसर किसका, आंसर नंबर डालना, शार्ट आंसर किसका है, शार्ट आंसर किसका है, इसके बाद ये शार्ट क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। आंसर नंबर दो, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, ठीक है, लेसन पाठ का नाम, लेखक का नाम, लास्ट स्प्रिंग अनीश जंग, ठीक है, हमारी बात सुनो। फिर ये क्वेश्चन देखो उतारा गया बेटा पूरा, फिर उसके बाद आंसर में जो मेन पॉइंट है, द स्टडी ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग, ये अंडरलाइन, यानी पाठ का नाम लेखक का नाम तो आना चाहिए बेटा, अंधी न मारना, जिसे हम बता रहे हैं उसे लिखना, और उसके बाद पूरी अपनी बात लिखना, ठीक है। जो मेन पॉइंट है, क्वेश्चन था डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ प्रैग पिकर्स इन सीमापुरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरी बात लिखी गई है, फिर द कंडीशन दैट इज दैट द चिल्ड्रन बिकम एडल्ट इन दो हर्ट्स, याद है ना पूरा पार्ट, तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही उसने लिखा बेटा, कहीं गड़बड़ नहीं है, और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया बेटा, ठीक है, वेरी गुड। इसमें 7 नंबर पूरा पूरा मिले बेटा, बिल्कुल सही। इस प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे, देखिए आप बताइए, अध्यापक होंगे तो आप नंबर देंगे कि नहीं, आप भी तो स्टूडेंट हो, आप अपने आप को अध्यापक मान लो और देखो कि ये इस प्रकार की कॉपी लिखी होगी तो आपको नंबर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पक्का बताओ, सही सही तो जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, पक्का, ठीक। देखिए दूसरी कॉपी है, जैनब क्या नाम है, इसने भी लिखा बेटा, देखो इन्होंने क्या गलती की, ये आंसर नंबर हमने कहा बिल्कुल यहाँ से लिखना 20 से, इसने यहाँ बिल्कुल ले जाकर लास्ट में लगा दिया, नहीं जैसे हम कहें वैसे लिखना, बीचों बीच होना चाहिए बेटा, ठीक है,
सही है, सही है। थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन आंसर ये जो हेडिंग पड़ेगी अंडरलाइन हो चाहिए बेटा, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। बहरहाल अच्छा लिखा है, इनको भी नंबर मिलना चाहिए। अब दो ये नंबर का है तो हम दो दे देते हैं, वही यही कमी है, इसको थोड़ा सा और पहले लिया बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है ये करना बेटा। सही है, थोड़ा सा बीच में लाइए, हेडिंग जो डालते हो, क्वेश्चन आंसर जो डालते हो ये अंडरलाइन होना चाहिए। देखो इन्होंने कहीं नहीं किया बेटा, ये सब कमी थोड़ा सा लिखा तुमने बढ़िया, दैट इज द थिंग, लेकिन साथ में एग्जामिनर का दिल जो है मोह लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, सही है। इनका आधा नंबर हम काट लेंगे, ठीक है। अब देखो गलती क्या क्या, द राइटर ऑफ द लेसन, राइटर की स्पेलिंग गड़बड़ है ना, आप नहीं समझे कई क्यों नंबर काट रहे हैं। देखो पाठ का नाम, लेखक नाम, राइटर की स्पेलिंग गलत कर दिया, अब पहले लाइन में गड़बड़ है तो खट से निकाल, इतना तो पड़ेगा यार, ठीक है। अब राइटर की स्पेलिंग क्या उसको आती नहीं क्या, स्टूडेंट अच्छी है, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन एक जगह गलती हो गई, हमने काट दिया। तो ये सब चीज़ें शुरू में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, यानी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए शुरुआती दौर में। क्या मानसिक गुप्ता आगे लिखा बेटा, इनका क्या है, सही है। ये देखो ओवर राइटिंग किया गया, इसका मतलब ये सब बहुत साधारण, ये सब लापरवाही है इसका मतलब। अब देखो इन्होंने काली पेन का इस्तेमाल किया बेटा, ये इनके गुरुजी ने बताया होगा, तो उनका भी अपना स्टाइल है, लेकिन हमारी स्टाइल है कि ये जो आपने काली पेन से लिखा इसको गोरी पेन से लिखो, गोरी पेन मतलब नीले पेन से, और काली स्केच से अंडरलाइन करने के लिए, और स्टार्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे जो है आपको हमारी बात सुनो ना, इस स्टार्ट क्वेश्चन में कोई नौटंकी नहीं करनी है, ये सीधे काली पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सीधे जो है नीली पेन से लिखना चाहिए। गड़बड़ है बेटा, डेढ़ नहीं, मज़ा नहीं है, यानी कि उतना आउट बढ़िया भी नहीं है परफॉर्मेंस, ठीक है, डेढ़ ही नंबर मिलेगा, जबकि इन्होंने बढ़िया लिखा है। देखो इन द ओपिनियन अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लेसन, सही है, सही है, लेकिन नंबर हम काट रहे हैं इसलिए कि मन मुताबिक उतना बढ़िया नहीं है। बराटे इस प्रकार से आपको कापी जांचना जांची जाती है बेटा, तो आप क्या करें, इतना बढ़िया प्रेजेंट करें, ठीक है, लिखता तो सब है यार, जब लिखे हो तो इसका मतलब याद होगा, ये मान्यता है वहाँ पे, अगर आपने कापी पर लिखा है तो एग्जामिनर ये मान चलता है कि लड़का जो है लिखे है सही लिखा होगा, केवल उसको किस ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हो ये जो है वो देखता है। सभी लड़के लिखेंगे तो बिना याद किए हुए लिखेंगे क्या, नहीं याद रहेगा तो कलम खड़ी हो जाएगी, तो मान्यता ये है कि लड़के ने लिखा है इसका मतलब बच्चे को याद है, बस केवल ये कमी है कि आप कहीं पोएट्री जैसा लिख देते हो, कहीं जो है शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरह लिख देते हो, तो ऐसा नहीं बेटा, यही सब चीज़ें सिखाने के लिए हम आपको रोज़ कुछ न कुछ गाइड कर रहे हैं बेटा। थैंक यू।